हाय फ्रेंड्स, हिमांशु हियर। और ये वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले टेक्निकल व्यू लेंगे, उसके बाद एलिवेट के पर्सपेक्टिव से क्या लग रहा है वो समझेंगे, ठीक है। तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे हम देखें तो कुछ ऐसा खास है नहीं। मतलब प्राइस जो है उसने 50 वीक की जो मूविंग एवरेज है उसका जो लो है उसके आसपास रेजिस्टेंस लिया है। जो येलो लाइन दिख रही है ना, वो दिस इज मतलब एक चैनल बनाई हुई है मैंने मूविंग एवरेज की, और ये 200 वीक की मूविंग एवरेज है, उसके पास आके एक रेजिस्टेंस लिया है उसने, और 10,328 का वो लेवल था जहाँ से वापस अभी रिट्रेसमेंट आया है। बट व्हेन वी स्विच टू अ डेली चार्ट, मतलब आप चार्ट को देखोगे तो यू कैन फाइंड सम, मतलब ऐसा क्लियर कट फाइट हो रहा है बुल्स एंड बेयर्स में। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग चार्ट। आप सबसे पहले यहाँ पर देखो कि ये जो स्विंग हाई बनाया था 9889 के आसपास, तो ये जो वाइट लाइन है दैट इज 50 SMA, 50 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज है, वहाँ पर रिजेक्शन लिया एंड RSI ऑल्सो गॉट रजिस्टर्ड अराउंड 60। तो यहाँ पर जो बुल्स ने ये पूरी रैली दी थी तो बेयर्स लॉन्च अटैक और प्राइस को पुश करके यहाँ पर लिया है, और ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाने के बाद आप देखो यहाँ पर इनसाइड बार था, वो चार्ट भी हमने एनालाइज किया था, टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट किया था। अगर टेलीग्राम की चैनल आपको ज्वाइन करनी है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमने उसमें एनालाइज ये भी किया था कि 40 के आसपास सपोर्ट ले रही है। एंड देन यहाँ पे हम देखें तो बुल्स चार्ज अप रियली, और ये स्विंग हाई भी उन्होंने ब्रेक कर दिया, इसलिए हम कहते हैं दे रियली चार्ज अप। अब क्या हुआ कि RSI भी उन्होंने मतलब 60 के ऊपर ले जाने के मतलब वो सक्सेसफुल रहे बुल्स, और यहाँ पे बेयर्स ने स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक लॉन्च किया और प्राइस को ये स्विंग लेवल के नीचे ले आए। दैट्स वाई आई यूज्ड स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक, बट उतना ही स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक बुल्स ने किया। यहाँ पर देखिए दे रियली आई मीन डिडंट गिव अप और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई। यहाँ पर बहुत ही पावरफुल रिकवरी थी अभी 2-3 दिन पहले, और कल हमने एक इनसाइड बार बनाया एंड देन वी आर नाउ मतलब सक्सेसफुली ट्राइंग टू क्लोज अबव 9889। तो यहाँ पर एक बहुत ही मतलब टफ फाइट चल रही हो बुल्स एंड बेयर्स में ऐसा लग रहा है। एंड आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज है उसका कर्व आप देखोगे ना तो दैट इज़ फ्लैटनिंग। सो डेली में से एक ही लाइन में कुछ कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि बुल्स आर नाउ रियली थर्स्टी फॉर 200 SMA, और मुझे नहीं लगता कि ये 200 दिन तक की मूविंग एवरेज जब तक टेस्ट करेंगे बुल्स दे विल गिव अप, राइट? ऐसा लग रहा है चार्ट देख के। अब हम एलियट वेव के पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ों को एनालाइज करने का ट्राई करते हैं, और एलियट वेव का जो पहला वीडियो था, दो वीडियो है निफ्टी के, और पहले वीडियो में भी मैंने जो लास्ट वीडियो था उसमें उससे पहले के वीडियो का भी थोड़ा ब्रीफ किया हुआ है, तो आप वो वीडियो जाके देखो। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था निफ्टी का उसके लिंक अभी आपको राइट हैंड साइड में दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पे, तो कुछ चीज़ों को आप यहाँ पर रिलेट कर पाओगे, अदरवाइज यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमने देखा था कि ये वेव सी की रैली है और वेव सी में हमने वेव 3 कंप्लीट कर लिया है एंड वी मे गो फॉर वेव 4। बट वेव 4 का मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि यहाँ पर 90,9940 या तो 9889 के आसपास वो टर्मिनेट हो जाएगा एंड वी मे हैव ए 5th वेव रैली। बट हुआ ऐसा कि 4th वेव में रिट्रेसमेंट काफ़ी ज़्यादा आ गया। हम देखें यहाँ पर तो 4th वेव है, इट्स अ करेक्टिव पैटर्न, तो उसमें ABC होते हैं, तो इट लुक्स लाइक कि हमने ये 4th कंप्लीट कर लिया है, राइट? बट 5th वेव मटेरियलाइज होने के चांसेस कब ज़्यादा होते हैं कि 4th वेव का जो रिट्रेसमेंट होता है वो 0.382 तक कन्फाइन रहे, तो हम यहाँ से 4th वेव का रिट्रेसमेंट ले तो देखें हम तो इट इज़ मोर देन 50%।
तो इसको टेक्निकली जो मैं एल्यूटिव सिखाता हूँ उसके हिसाब से हम इसको फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट नहीं बोल सकते, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम वो ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाते। बिकॉज अब क्या हो गया है, अगर टेक्निकलिटी थोड़ी ब्रीफ करनी हो तो दिस इज़ वेव ए, दिस इज़ बी, एंड वी मे गो फॉर ए सी वेव रैली, टेक्निकली ऐसा बोल सकते हैं। बट एनी वेज आप लेबलिंग कैसे भी करो, हाउ यू लेबल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपने मतलब सही चीज़ को पकड़ी है, यू आर प्रैक्टिकली एनालाइजिंग द थिंग्स और नॉट, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है। तो लेबलिंग कैसे भी करो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यही समझ रहे हैं कि दिस इज़ फोर्थ वेव रिट्रेसमेंट, और 0.618 को उसने एक्सीड नहीं किया है तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन कि फोर्थ वेव उसको बोल सकते हैं, राइट। तो अब ऐसा लग रहा है कि वेव फोर हैज़ टर्मिनेटेड हियर, और यहाँ पर जो रैली आई है दिस लुक्स कि ये वेव वन था और दिस रिट्रेसमेंट कुड बी वेव टू। ऐसा क्यों हम बोल सकते हैं, बिकॉज वेव टू का जो रिट्रेसमेंट होता है ना दैट इज़ मतलब 0.786 या 0.618 तक होता है। तो हम जो ये करंट रिट्रेसमेंट यहाँ से ले तो आप देखो कि दिस रिट्रेसमेंट इज कन्फाइंड टू एग्जैक्ट 0.618। तो ये गोल्डन रेशियो के आसपास से निफ्टी घूम गई है। सो नाउ देर इज़ ए प्रोबेबिलिटी कि हम जो फिफ्थ वेव हो उसके थर्ड वेव में हो, तो हमको लेबलिंग करनी हो फॉर एग्जांपल, तो इसको हम बोल सकते हैं वेव वन, इसको टू, एंड नाउ जो फिफ्थ वेव है उसके थर्ड वेव में है, ऐसा एक्सक्यूज में हम कह सकते हैं। बट उसका परफेक्ट हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो ये जो बी मैंने मार्क किया हुआ है ना, तो वो एक लेवल है 10,150। अगर ये लेवल हमने क्रॉस कर लिया मतलब बुल्स ने, तो एक एक्सेलरेटेड मूव हमें ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकता है, और हम फिर ये कह सकते हैं कि अब जो है फिफ्थ वेव मटेरियलाइज होने के या तो सी वेव मटेरियलाइज होने के पूरे चांसेस है। अगर वी एज्यूम कि ये ए है, ये बी है, या हम सी वेव के लिए जा रहे हैं, या तो हम समझते हैं कि भाई दिस इज 3-4 एंड वी आर गोइंग फॉर 5, दिस मतलब ये टेक्निकल इश्यू है, वो कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। सो अब टारगेट क्या आ सकता है, तो यहाँ से हम देखें तो इन आइदर केस आप उसको ए बी सी बोलो या थर्ड वेव मतलब फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट और फिफ्थ वेव का टारगेट बोलो, बोथ आर सेम थिंग। तो उसका टारगेट आ सकता है हम देखें तो यहाँ पर 10,469। तो दिस इज़ वेरी रिजनेबल टारगेट, 0.618 इसलिए क्योंकि आप देखो यहाँ पर वेव थ्री है ना, दैट इज़ क्वाइट एक्सटेंडेड, वेव थ्री इज़ क्वाइट एक्सटेंडेड। तो फिफ्थ में हम 0.618 तक का एक रिजनेबल टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट, राइट। सो आई होप कि दिस एनालिसिस विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।